मैदान के कारण भारत और श्रीलंका का पहला टी20 मैच रद्द। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रविवार को यहां बिना गेंद फेंके रद्द किया गया है। इसके तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से वापसी का इंतजार भी बढ़ गया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन खेल शुरू होने से कुछ देर पहले तेज बारिश शुरू हुई। बारिश थमने के बाद पिच पर कुछ गीले स्थान बन गए, जिन्हें सुखाने के लिए हेयर ड्रायर सहित विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया गया। एम्पायरों ने स्थानीय समयानुसार 9:30 में आखिरी बार निरीक्षण करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया, जिससे बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में स्टेडियम में मौजूदा दर्शक निराश हो गए। चोटिल होने के कारण पिछले कुछ महीनों से बाहर चल रहे बुमराह को भारत के अंतिम एकादश में रखा था। इस तेज गेंदबाज का यह स्टेडियम के खिलाफ किंगस्टन में टेस्ट मैच के बाद पहला प्रतिस्पर्धी मैच होता, लेकिन इसका इंतजार अब मंगलवार तक बढ़ गया है, जब ये दोनों टीमें इंदौर में दूसरा टी20 मैच खेलने के लिए उतरेंगी। कोहली ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला करके अपने इरादे जतला दिए हैं। भारत लक्ष्य का पीछा करने में हमेशा बेहतर परिणाम हासिल करता है। कोहली ने टॉस के समय कहा था कि पिछले मैचों के परिणाम को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करना दूसरी प्राथमिकता बन गई है। उन्होंने कहा है, हमें आगे विश्व कप में खेलना है और इसलिए हम एक प्रारूप पर खास ध्यान दे सकते हैं। भारतीय टीम प्रबंधन ने मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल और संजू सैमसन को अंतिम एकादश में नहीं रखा था। श्रीलंका के कप्तान मलिंगा ने भी कहा था कि उनकी निगाहें विश्व कप पर हैं। इसके लिए वे अगले 2 महीनों में अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम तैयार कर लेंगे। मैच रद्द होने पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।